हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला है। इफ LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD, प्रूव दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। और ये आपको फिगर दे रखी है, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होता है। तो देखिए ये आपको एक फिगर बन रखी है। फिगर में LM पैरेलल टू CB, LN पैरेलल टू CD, ठीक है। अब देखिए गिवन में जब आपको पैरेलल दे रखा है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगनी है, बिकॉज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में ही गिवन में पैरेलल होता है। एंड टू प्रूफ आप क्या करते हैं कि साइड्स उसकी प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब टू प्रूफ में आपको जो भी दे रखा है ये हम बाद में देखते हैं, पहले गिवन के हिसाब से करेंगे। बहुत ही आसान है, अगर आप चैप्टर को सिस्टमैटिक वाइज अगर करेंगे तो बहुत ही आसान है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपको थ्योरम्स अच्छे से समझ में आनी चाहिए, उनको अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे बोला है सिंस LM इज पैरेलल टू CB। अब देखिए LM और CB पैरेलल दिए हुए हैं, तो आपने पहले देख लेनी है कि LM और CB कौन सी ट्रायंगल में आ रहे हैं। तो वो आपकी ABC ट्रायंगल में आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंस LM इज पैरेलल टू CB कौन सी ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC। तो ABC में जब दो लाइंस पैरेलल हैं तो BPT लग सकती है। BPT से देखिए जब दो लाइन पैरेलल है तो रेशो आ सकती है ना, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC। तो वही लिखा है, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC, ठीक है। अब अगर आप टू प्रूफ में देखिए, टू प्रूफ में AM अपॉन AB है, MB नहीं है, ठीक है। तो जब भी आपका ऐसा आता है आपने क्या करना है, आपने रेसिप्रोकल कर देना है। मैंने इधर भी उल्टा करके लिख दिया MB अपॉन AM, इधर भी उल्टा करके लिख दिया LC अपॉन AL। रेसिप्रोकल करके आपने बोथ साइड 1 ऐड कर देना, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एग्जांपल सिखाई थी, ठीक है। बोथ साइड 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया तो LCM ले लेंगे। इधर AM बनेगा तो AM इंटू 1 इज AM, इधर AL बनेगा तो AL इंटू 1 इज AL, ठीक है। तो MB प्लस AM, अगर आप फिगर में देखेंगे MB प्लस AM, ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है, AB, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, MB प्लस AM इज इक्वल टू AP। इधर LC प्लस AL, फिगर में देखेंगे LC प्लस AL पूरा क्या बन रहा है, AC। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, AC। तो क्या बन गया, इधर AB अपॉन AM, AC अपॉन AM, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब गिवन में और क्या दे रखा था, LN इज पैरेलल टू CD, ये रहा LN, ये रहा CD, तो मतलब ये नीचे वाली ट्राइंगल में आ रहा है, ADC या ACD कुछ भी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ADC, LN पैरेलल टू CD है, तो BPT से क्या आ जाएगा, देखिए ये और ये लाइन पैरेलल है तो BPT से साइड्स कौन से प्रोपोर्शन में बनेगी, AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC। वही जो डिवाइड कर रहे हैं वही वाली साइड्स इधर इधर प्रोपोर्शन में बनेगी ना, AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC, ठीक है। वही लिख देना, AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC। अब फिर से टू प्रूफ में अगर आप देखेंगे तो AN अपॉन ND नहीं चाहिए, AN अपॉन AD चाहिए, तो हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ND अपॉन AN हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो LC अपॉन AN। रेसिप्रोकल करके क्या करना होता है, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, इधर LCM ले लेंगे, ND प्लस AN बन जाएगा, इधर LCM AL आ जाएगा तो LC प्लस AL बन जाएगा, ठीक है। अब ND प्लस AN फिगर में अगर देखिए, ND प्लस AN क्या बन रहा है, AD, और LC प्लस AL क्या बन रहा है, AC। तो वही लिखेंगे, इधर AD बन गया, इधर AC बन गया, नीचे तो AN अपॉन AL ही चाहिए था। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखिए, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन जो है उसमें AD अपॉन AN और AC अपॉन AL आ रहा है, और अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन देखूं तो उसमें भी AC अपॉन AL आ रहा है, तो दोनों में से AC अपॉन AL कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड AB अपॉन AM किसके बराबर होगी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड AD अपॉन AM, क्योंकि AC अपॉन AL तो कॉमन आ गया तो कैंसिल हो जाएगा, तो AB अपॉन AM इज इक्वल टू AD अपॉन AN। बट अगर आप टू प्रूफ में देखिए तो दोनों चीजें उल्टी दे रखी हैं, तो उल्टा कर दो इनको, AM अपॉन AB इधर भी रेसिप्रोकल, इधर भी रेसिप्रोकल AN अपॉन AD, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये फिगर दे रखी है, आपको गिवन में दिया हुआ है कि DE और AC पैरेलल है, और बोला हुआ है कि DF और AE पैरेलल है। टू प्रूफ में क्या बोला हुआ है, BF अपॉन FE
इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, बहुत आसान है ये। देखिए आपको ए बी सी ट्राइंगल, सबसे पहले डी ई पैरल टू ए सी अगर आप देखें तो डी ई ये रहा, ए सी ये रहा, ये दोनों पैरल लाइन्स कहाँ आ रही है, बड़ी ट्राइंगल में ही आ रही है ए बी सी में। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी सिंस डी ई पैरल टू ए सी, तो बी पी टी से क्या हो जाती है, साइड प्रोपोर्शन में आ जाती है। अब देखिए डी ई और ए सी तो क्या प्रोपोर्शन बन रही है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। तो लिख दिया ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। फर्स्ट ऐसे ही डी एफ पैरल टू ए ई बोला हुआ है, ये रहा डी एफ और ये रहा ए ई, तो कौन सी ट्राइंगल बन रही है, ए बी ई। तो ए बी ई ट्राइंगल में बी पी टी के थ्रू क्या आ जाएगा, अगर डी एफ और ए ई पैरल है तो प्रोपोर्शन क्या हो जाएगी, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन बी ई। ठीक है, जितना ट्राइंगल है वहीं तक ही रहना है, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल से अगर हम देखें तो दोनों इक्वेशन से देखें तो ए डी अपॉन डी बी, इधर भी ए डी अपॉन डी बी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी, तो बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, तो वो दोनों बराबर आ जाएंगे। टू प्रूफ में भी यही है, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, वही आपका आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको ये फिगर दे रखी है और आपको बोला है डी ई पैरल टू ओ क्यू, डी ई और ओ क्यू पैरल हैं, इधर डी एफ पैरल टू ओ आर, डी एफ और ओ आर पैरल हैं। प्रूफ क्या करना है, ई एफ पैरल टू क्यू आर, आपको ये ई एफ और ये क्यू आर पैरल बोली है। ठीक है, अब इसमें देखिए जब पैरेलल प्रूव करना है, अब क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, पैरेलल प्रूव करना है तो पैरेलल तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी में होता है। ठीक है, और गिवन में पैरेलल दे रखी है, तो जब पैरेलल दे रखी है मतलब उनको यूज करना है तो बीपीटी लगेगी, प्रूव करना है तो कन्वर्स लगेगी। ठीक है, अब कैसे करते हैं, सबसे पहले जो दिया हुआ वहीं से स्टार्ट करेंगे, डीई पैरेलल टू ओक्यू, तो डी ई ओ क्यू के पैरेलल है, तो ट्राइंगल देख लेते हैं, डी ई और ओ क्यू कौन सी ट्राइंगल में आती है, पी ओ क्यू ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल है, तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, तो बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, तो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा डी एफ पैरल टू ओ आर, ये डी एफ और ये ओ आर पैरल है, तो पी ओ आर ट्राइंगल होगी, तो पी ओ आर ट्राइंगल में डी ई पैरल डी एफ पैरल टू ओ आर, तो बाय बीपीटी क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, तो पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में देखिए पी डी अपॉन डी ओ कैंसिल, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, तो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, अब फिगर में अगर आप देखें पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर ये बराबर है, साइड्स प्रोपोर्शनल है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल, बट ये किस में आता है, कन्वर्स में, तो क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपकी जो लाइन ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए आपको ये फिगर दे रखी है और आपको बोला है कि ए बी पी क्यू के पैरेलल है और इधर ए सी पी आर के पैरेलल है, प्रूफ करना है बी सी क्यू आर के पैरल। ठीक है, अब देखिए पी ओ क्यू ये ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे तो ए बी पैरल टू पी क्यू है, यही दो लाइन्स आ रही है ना, तो पी ओ क्यू लेंगे, तो बाय बीपीटी हम लिख सकते हैं पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, तो पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। ऐसे ही दूसरी क्या है, ए सी पैरल टू पी आर दिया हुआ गिवन में, तो ए सी और पी आर कौन सी ट्राइंगल में आता है, पी ओ आर, तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी ओ आर ए सी पैरल टू पी आर, तो बाय बीपीटी, अगर ए सी और पी आर पैरल है तो बीपीटी से पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, तो वही लिख दिया ओ सी अपॉन सी आर। अब दोनों से अगर देखें तो पी ए अपॉन ए ओ पी ए अपॉन ए ओ कैंसिल, क्या आ गया, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, तो वो लिख दिया। अब देखिए ओ बी अपॉन बी क्यू ओ सी अपॉन सी आर बराबर है, तो अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड प्रोपोर्शन में है तो ये लाइन और ये लाइन क्या होगी, पैरेलल, सो बाय कन्वर्स हम कह सकते हैं कि बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। सो एंड में आपने लिख देना बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी बी सी इज पैरेलल टू
क्यू आर। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। बेसिकली आपको बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी समझ में आनी चाहिए, कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर की सबसे सिंपलेस्ट एक्सरसाइज में इसको कहूंगी, ध्यान से कीजिए। आपको थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लग सकता है बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है, और कुछ नहीं। ध्यान से एक बार कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इट इज वेरी वेरी इजी। इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।